मेरे प्यारे किसान दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में जो है हम बात करेंगे बकरी के भूख बढ़ाने का जो है ज़बरदस्त तरीका जो है आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, हमने जो है एक गौट के ऊपर जो है थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ देसी नुक्का जो है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ऐसा नुक्का है दोस्तों जिसको जो है हमने ऑलरेडी जो है अपने गौट के ऊपर जो है अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद देन हमने जो है 1 मंथ का जो है वेट करा है। वेट करने के बाद हमने देखा कि इसका रिजल्ट जो है किस तरीके से मिलता है। बिल्कुल जो है देसी तरीका है। कौन सी गौट है वो भी मैं आपको आज वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बाजू में जो है आपको एक वीडियो देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये वही गौट है जिसके ऊपर हमने एक भूख बढ़ाने के लिए, बकरी का भूख जो है बढ़ाने के लिए एक बिल्कुल देसी तरीका यूज किया था और जिसका जो है हमें फ़ायदा भी बिल्कुल मिल चुका है। आज मैं कोई अलग नुक्का जो आपको बताने वाला नहीं हूँ, जो मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया था जिससे मुझे कुछ फ़ायदा मिला है वही जो नुक्का है दोस्तों मैं आज आपको इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों आप गौट जो है किस तरीके से है, उसका जो है बॉडी वेट भी आप देख सकते हो कैसा है, उसके जो है शरीर के ऊपर की शाइनिंग, उसका जो है उसके ऊपर के बाल चमक जो है किस तरीके से है गौट के ऊपर। तो ये सारा कुछ हो गया है दोस्तों देसी नुक्के से। इसने जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा खाना पीना जो है अपना कम कर दिया था, जुगाली भी जो है कम कर दिए थी और भूख जो है दोस्तों इसको ना के बराबर लग रही थी। तो हमने जो इस तरीके का नुक्का जो इसके ऊपर अप्लाई किया है दोस्तों, अप्लाई करने के बाद जो है देन इस तरीके से जो है हमें फ़ायदा मिला है। तो कहने का मतलब जो है बकरी की भूख आप बढ़ाना चाहते हो या फिर आपकी बकरी जो है कम खाना खा रही है तो ये नुक्का आपके लिए बेटर हो सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बकरी पालन से संबंधित और भी जानकारी और भी नए वीडियो जो है आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा है कि आपको बिल्कुल देसी नुक्का है, इसमें जो है आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी जो है वेस्ट नहीं होने वाले हैं। बिल्कुल घर पे जो है आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सिंपल चीज़ है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा कि गौट को जो है डिवॉर्मिंग आपको करवाना होगा। डिवॉर्मिंग इसलिए करवाना है, वो भी घर पे सारी चीज़ें मिल जाती है आपको डिवॉर्मिंग की। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों आपको, आपको बस हींग लेना है, मात्र 5 ग्राम हींग लेना है आपको सुबह शाम। ठीक है, सुबह शाम आपको 2 दिन तक खिलाना है बकरी को। तो ये चीज़ आपको जो है सुबह सुबह खाली पेट करनी है। 2 दिन इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको क्योंकि हमने मात्रा जो है दोस्तों 5-5 ग्राम की करी है, तो टोटल 5-5 10 10 10 20 ग्राम हो रहा है। तो अगर आप 1 टाइम देना चाहते हैं तो 20 ग्राम आप खाली पेट जो है इसको जो हींग आपको देना है। आप किसी भी तरीके से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस पेट में जाना चाहिए। इस तरीके से जो है आप गौट की डिवॉर्मिंग देसी तरीके से हो जाएगी। दूसरी चीज़ है आपको क्या करना है, गुड़, 15 ग्राम आपको गुड़ लेना है दोस्तों। डिवॉर्मिंग के 24 घंटे बाद आपको क्या करना है, 15 ग्राम गुड़ लेना है दोस्तों। और ये आपको जो है सुबह शाम गर्म पानी में जो है उबालना है, गुनगुने पानी में उसको बनाना है, ठंडा कर लेना है। उसके बाद जो है आपको कंटिन्यूसली सुबह शाम 15-15 ग्राम जो है दोस्तों गुड़ आपको खिलाना है। सिर्फ 8 दिन तक ये काम करना है दोस्तों आपको। उसके बाद जो है बकरी की डिवॉर्मिंग भी हो गई, उसके बाद जो है हमने गुड़ भी जो है 8 दिन तक इस तरीके से खिलाना है। इस तरीके से खिलाने के बाद जो है बकरी की भूख जो है 100% दोस्तों बढ़ जाएगी। बस आपको 10 दिन का जो है वेट कर लेना है। तो 10 दिन के अंदर जो है बकरी की भूख 100% जो है बढ़ जाएगी। तो इस गौट की जो है दोस्तों भूख भी बिल्कुल बढ़ चुकी है, तो आपके गौट की भी जो है भूख बिल्कुल बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर वही वीडियो अपलोड होते हैं जिसका हमने या तो प्रैक्टिकल करके देखा है या फिर उसका कोई ट्रीटमेंट किया है, कुछ फ़ायदा हुआ है, ऐसी चीज़ें जो है दोस्तों मैं वही चीज़ें आपको बताता हूँ जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों ये जेन्युइन और प्रैक्टिकल जानकारी जो है आपको मैं इसी वीडियो में इसी चैनल पर जो है देता रहूँगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है यही पे ख़त्म होता है दोस्तों। ये देसी तरीका था, बिल्कुल घर पे मिलने वाली चीज़ों से जो हमने सीखा कि बकरी के भूख जो है किस तरीके से बढ़ाई जाती है, किस तरीके से उस पर काम किया जाता है।